नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लच पर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को एक खबर का तो पता चला ही होगा कि कौशल रोजगार निगम ने 35 व्यक्ति एक ही गांव के लगा दिए नौकरी पर। जी हाँ, ये खबर काफ़ी फैली थी और इसका स्पष्टीकरण भी दिया गया था न्यूज़पेपर के माध्यम से भी। और जो CEO साहब हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पांडुरंग जी, उन्होंने भी स्पष्टीकरण दिया था। और अब यहां पर कौशल रोजगार निगम की तरफ से एक वीडियो स्पष्टीकरण आया है जिसमें इस झूठ का भंडाफोड़ किया गया है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ बताया गया है, कौशल रोजगार निगम ने किस तरह से ये स्पष्टीकरण जारी किया है। देख लेते हैं जल्दी से इस वीडियो को। आजकल एक वीडियो आ रही है, न्यू कह रही है सरकार ने एक ही गांव के 35 लोग नौकरी पला दिए। कती गलत खबर से मास्टर जी, आपने तो मेरा इसे इस सोशल मीडिया का के माहौल से झूठी खबर फैलाए जहाँ से खाम खाकी। पर होया के भाई, मनोहर सरकार ने खर्चीर पर्ची वाला कल्चर खत्म कर दिया। इससे बात कौन का दर्द से जिन नयो कल्चर चला रखा था और ये वो झूठी खबर फैलाने लग रही से। असल मामला के है भाई, जो 35 लोग लागे से ना, उनमें थे 32 लोग थे पहले अलग अलग विभागों में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लाग रहे थे। उनको सरकार की पॉलिसी के तहत पोर्ट किया गया है, मतलब इकट्ठा किया गया है, और बाकी के 3 उनका मेरिट बेस पर सिलेक्शन होया है। इब न्यू बताओ, इसमें गलत क्यों होया से? ना भाई, कुछ गलत नहीं, यो तो जमा ठीक से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की नौकरी खातिर 150 नंबर की मेरिट हो से और उससे उनका सिलेक्शन हो से, और जो गरीब होते हैं उनके सबसे ज्यादा मार्क होते हैं, और साथ में आरक्षण का भी पूरा ध्यान रखा गया है। असल में सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए डिप्लॉयमेंट दी जाती है। यह सबका साथ और सबका विकास वाली सरकार है, तो सरकार चाहती है उम्मीदवारों को डिप्लॉयमेंट उनके क्षेत्र में मिले। इसीलिए अगर किसी जिले या ब्लॉक में जितनी ज्यादा नौकरियां होंगी उतनी ही लोगों को ज्यादा जगह मिलेगी। और भाई, पहले का तो हालत ने बेरा है ना, नौकरी कितनी लकड़ती एक इलाके के मानस लग गया करते। समझ गया, दर्द उन ना का है, ज्यादा झूठ फैला रहे है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने किस तरह से एक स्पष्टीकरण वीडियो जारी करना पड़ा हरियाणा कौशल रोजगार निगम को स्पेशल इस खबर के बारे में। जी हाँ, क्योंकि इसको इतना एक तरह से फैलाया गया कि जो है स्पष्टीकरण देना मजबूरी हो गया। बाकी आपके अपने क्या विचार हैं कौशल रोजगार निगम के बारे में, भाई कितनी पारदर्शिता नौकरियों में बरती जाती है कितनी नहीं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आप लोगों के लिए थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की जानकारी समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।